मेरा गांव का नाम समादरा, मेरा नाम महेश भाई गांडा भाई रबारी, मैंने मेरा तालुका जिला खेड़ा, मैंने खेड़ा डीलरशिप में से वो 485 लिया, उसमें अभी बेलर में चलाता हूँ तो बढ़िया चलता है जी। और जो रीपर में मैं वो भूस बनाने वाले मशीन में मैंने 3 फसल में लगाई, गेहूँ का भूस बनाता है, तब बढ़िया चला। वो जो 241 लाया था उसको रेडिएटर खराब हो गया, फिर 4 घंटे में वो बेच दिया। फिर मैंने हॉलैंड लाया, हॉलैंड को लाके लगाया तो भी वो गर्मी में अप्रैल महीने में के 21-22 तारीख को वो भी हिट मार गया। अभी ये 485 जब से मैंने 3 साल से लिया है अभी तक कुछ खर्चा नहीं किया सर्विस के बिना, और बढ़िया चलता है। अभी बेलर में भी ऐसे ही चलाता हूँ कि कोई मेरे को दिक्कत नहीं आई। और अभी तक जो रोटोवेटर में लगाता हूँ पूरे साल में कम से कम 50-60 बीघा जैसी तो मैं रोटरी खुद के खेतों में लगाता हूँ, जो रिश्तेदारों है या कोई किराया पे मैं जाता हूँ, सभी जगह पर बढ़िया चलता है वो 485, मेरे को बहुत अच्छा लगा। महेश भाई थोड़ा ये बताइए, जैसे अब ये बेलर पे आपने इतना चलाया तो 1 घंटे में कितना खेत कवर करते हैं इससे? अभी 1 घंटे में 3 से 3.5 बीघा में बेलर में काम लगा लेता हूँ। अच्छा, पूरे दिन का मैं 1000 रुपए का डीजल डालता हूँ, 12 लीटर और 600 ग्राम, पूरे दिन 8 बजे तक चलता है, सुबह में 10 बजे से चलता है जी, तो रात को 8 बजे में बंद कर देता हूँ, जब वो ठंडी हवा लग जाती है तो भूस कट नहीं सकता। अच्छा, मॉइस्चर आ जाता है। तो इसमें जो है 1 घंटे में कितना एवरेज मिल रहा है आपको? अभी कम से कम 1 घंटे में 700 ग्राम से अंदर होती है, 650-700 ग्राम, खुद चलाता हूँ। तो 1 बीघा में जो है आपका 700 ग्राम जा रहा है। हाँ। और 1 घंटे में यदि आप 4 बीघा कवर कर रहे हैं, 3.5-4 बीघा तो पक्का निकल जाता है। हाँ, तो पास में लगे लगे चलते तो 4 बीघे से ज्यादा, पूरे दिन का मेरा 24-25 बीघे का एवरेज है। तो 3 से 3.5 लीटर का प्रति घंटे का एवरेज आ रहा है। और ये 485 चला रहे हैं तो उसका डबल क्लच पे जो बेलर बढ़िया काम कर रहा है। बढ़िया बढ़िया, मैं भी तो खुश हूँ, जो मैंने लिया वो सही है। और अच्छा, लेने वाले को मेरे जो रिश्तेदार हो उसको भी ऐसा बोलता हूँ कभी कोई दूसरे ट्रैक्टरों में मत जाओ, बढ़िया ट्रैक्टर है। मेरे 3 साल हो गया, 3 साल में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आई, कोई मेंटेनेंस 1 रुपया का नहीं आया। अच्छा, अपन जब बेलर इस्तेमाल करते हैं तो एक खेत से दूसरे खेत में जाने में जो मेड़ रहती है उसमें कैसा निकलता है? कोई दिक्कत नहीं आती, जो बड़ा मेड़ होता तो भी ट्रैक्टर लेके बेलर को चढ़ जाता है। अच्छा, जमीन पर मजबूती पकड़ ट्रैक्टर की? बढ़िया बढ़िया, ताकत में भी बढ़िया। अच्छा, मैं हर साल में 5.5-6 लाख रुपया तक भूस बनाता हूँ, हर रोज का मैं 10 ट्रॉली बनाता हूँ भूस, उसको 2000 में मैं बेच देता हूँ, तो पूरे दिन का 10 ट्रॉली तो पक्का निकलता हूँ। 28 से 30 दिन तक मैं कम से कम 5.5-6 लाख रुपया में मेरा कम से कम 50-55 हजार रुपया का डीजल जाता है। अच्छा, और तो कमाई में भी अच्छा है, अभी मेरे को कोई दिक्कत आई नहीं। तो 3 साल में कितना कमा लिया होगा आपने इस ट्रैक्टर से? कम से कम 20-22 लाख रुपया का काम हो गया ट्रैक्टर का, रोटोवेटर और रीपर दोनों में। तो कमाई कितनी होगी 20-22 लाख में से? कमाई तो बढ़िया है यार, पूरे खर्चा काट के कितना? खर्चा तो मेरा दिन का बस वो सर्विस कराता हूँ और डीजल जो 2000 का डालता हूँ उसमें से आगे चलता रहता है, जब वो धूप लगती है इसमें बढ़िया ये चलता है। मैं तो 20-22 लाख रुपए में तो कम से कम 15-16 लाख बचे हैं। हाँ, पक्का बच गया। चलो सर, तो उसका मतलब जो आपने ट्रैक्टर की कीमत के साथ साथ इम्प्लीमेंट की कीमत निकाल दी। हाँ। आपको बहुत बहुत बधाइयां आयशर अपनाने के लिए, और उम्मीद करता हूँ कि आप आने वाले समय में बहुत तरक्की करेंगे। बहुत बहुत